अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ, क्लास सिक्स, टॉपिक इंटीजर्स, एक्सरसाइज 4E, क्वेश्चन नंबर 3। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्वोशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्टूडेंट्स डिवाइजर और डिविडेंड दिए गए हैं, तो हमने उन दोनों की हेल्प से क्या फाइंड करना है, क्वोशन। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है सब्ट्रैक्शन साइन 9504, डिवीजन साइन, एडिशन साइन 4। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डिवीजन साइन से फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारी होती है डिविडेंड, तो उसे हम डिवीजन साइन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। 9504, ठीक है, ये हमारी डिविडेंड वैल्यू है। इसके साथ ये सब्ट्रैक्शन का साइन भी हमें लिखना। उसके बाद डिवीजन साइन के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर होती है, वो 4 है, तो वो हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ इसका साइन ही लिखेंगे। अब हमने 4 जो हमारा डिवाइजर है उसका टेबल रीड करना है और इन्हें डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट जब लेंगे हम 9, 4 के टेबल में 9 आता है, जी नहीं आता है, 9 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है, 8, 4 2 8, ठीक है, 4 2 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब ये 5 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये नंबर हो जाएगा 15, 4 के टेबल में 15 आता है, जी नहीं आता, तो 14 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है, 12, 4 का टेबल 3 तक रीड करें, 4 3 12। अब हम 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, अब 3 छोटा डिजिट है, हम नेक्स्ट 0 नीचे लेके आएंगे इसे बड़ा करने के लिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स 4 के टेबल में 30 आता है, जी नहीं आता, 30 से नियरेस्ट डिजिट क्या आता है, 28, तो 4 का टेबल कहाँ तक रीड करें, 4 7 28। अब 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 छोटा डिजिट है, नेक्स्ट कैरी लेगा, यहाँ पर बोल जाएगा 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, जब 3 ने से एक नंबर दे दिया यहाँ पर 2 रहेगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब इसे ग्रेटर करने के लिए नेक्स्ट हमारा 4 डिजिट है, हम उसे नीचे लेके आएंगे, जी स्टूडेंट्स 4 के टेबल में 24 आता है, जी आता है, कहाँ तक रीड करने से, 6 4 6 24, ठीक है, 24 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0। अब स्टूडेंट्स हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, जो हमारा क्वोशेंट है इन दोनों को डिवाइड करने से वो आया है 2376। अब जो इनके साथ साइन गिवन थे अब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन साइन एडिशन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन फाइंड करना था, तो हमने डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है, 2376। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 4 वाला पार्ट है, इसका 3rd वाला और 2nd वाला पार्ट आप लोगों ने मूव करना है, इन्हीं की तरह सेम है, डिवाइड करना है और क्वेश्चन फाइंड करना है। 4 वाला पार्ट है, वैल्यू है 335750, डिवीजन साइन 850। तो यहाँ हम इन्हें भी डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन साइन हमने लिखा, ठीक है, डिविडेंड हमारी वैल्यू है 335750, और हमारा डिवाइजर है 850, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 850 जो हमारा डिवाइजर है हमने उसका टेबल रीड करना है 850, तो यहाँ से हम फर्स्ट थ्री डिजिट्स लेंगे तो वो है 335, तो 335 छोटा है 850 से, तो नेक्स्ट हम 7 भी लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3357, ठीक है। अब 850 का हमें टेबल रीड करना है, 850 टू जा करते हैं, ठीक है, वन जा तो 850 आएगा, 2 जा 2, 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, तो ये हमारे पास है 1700, वो 3
3357 है। अब हम 3 से करके देखते हैं, ठीक है। 3 0 0, 3 5 15, 5 लिखेंगे, 1 कैरी, 3 8 24 + 1 25, ये हमारे पास है 2550। 4 से करेंगे तो स्टूडेंट्स को ग्रेटर आ जाएगा, तो हम यही लिखेंगे, 3 जा हमारे पास क्या आया है 2550। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जी, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, छोटा डिजिट है, नेक्स्ट से कैरी लेगा, यहाँ नंबर हो जाएंगे 13, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, ठीक है। यहाँ पे 2 रह गए, जब इस 3 ने से कैरी कर दिया तो 2 में से 2 0। अब ये 807 है, ये 850 है, ये छोटी वैल्यू से ग्रेटर करने के लिए कौन सा डिजिट नीचे लेके आएंगे 5, ठीक है। अब ये है 8075, तो स्टूडेंट्स 3 से करने से 2000 आया था, अब हम बड़ी अमाउंट लेंगे, तो यहाँ पे मैं 850 को 9 से मल्टीप्लाई करने लगी, इट मीन्स दैट 850 9 जा क्या आता है 9 0 0, 9 5 45, 5 लिखेंगे, 4 इसे कैरी कर दिए, 9 8 72, 72 में हम सिर्फ 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 76, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 8597650, तो हम इसे लिखेंगे 7650, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें, 9 से करने से आया तो 9 हम ऊपर लिखेंगे, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 0 छोटा डिजिट है, नेक्स्ट से कैरी लेगा, यहाँ नंबर जाएंगे 10, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ 7 रहेगा, 7 में से 7 0। अब इसे डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डिजिट नीचे लेके आएंगे 0, ओके। अब ये हमारे पास वैल्यू है 4250, ये साथ में रफ वर्क है वो मैं रेस करने लगी हूं। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 850 को, 850 क्या आएगा, 5 0 0, 5 5 25, 5 लिखेंगे 2 कैरी, 5 8 40, 40 + 2 = 42, एग्जैक्ट वही आया, 5 850, 5 4250। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4250 में से 4250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0, और क्वेश्चन हमारा क्या है 395, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे, हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है 395, ओके स्टूडेंट्स 395 हमारा क्वेश्चन आया है फोर्थ वाले पार्ट का। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों पार्ट्स का होमवर्क करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। अल्लाह हाफिज़।